हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ PNMSE हाई स्कूल। इन अवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 11th चैप्टर फ्रॉम योर MSE टेक्स्ट बुक एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज द थर्ड गुरु विच इज़ बीन गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 47। सो क्विकली ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर 47 सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। Chapter 11, The Third Guru. To achieve success in life, one has to concentrate on one thing at a time. मतलब अगर life में success चाहिए तो एक time पे एक चीज़ पे ही concentrate करना चाहिए. Therefore, to realize one's dream, one should take up that idea, eat that idea, dream that idea and sleep that idea. अपनी ड्रीम को रियलाइज़ करना है तो हमें उस आइडिया को ऊपर लेके जाना पड़ता है, वो आइडिया खा लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है और सोना भी उस आइडिया के साथ ही होता है। बी दैट आइडिया एंड यू विल मीट द सक्सेस। अगर आप वो आइडिया बन जाते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। गुरु अमरदास द थर्ड ऑफ द 10 गुरुज ऑफ सिख वॉज रिलीजियस वैष्णव। जो गुरु अमरदास थे वो 10 गुरु में से, सिख के 10 गुरु में से थर्ड नंबर के गुरु थे जो वैष्णव थे। हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ परफॉर्मिंग रिचुअल पिलग्रिमेज एंड फास्ट ऑफ अ डेवोट हिंदू। वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसमें काफ़ी सारे पिलग्रिम्स किए, मतलब यात्राएं की, फास्ट रखा और वो एक हिंदू थे। It was only after he met Guru Angad Dev, the second Sikh Guru, that he took to Sikhism and became the Guru at the age of 73, succeeding him. ये किनकी वजह से पॉसिबल हुआ, जब से उन्होंने गुरु अंगद देव से मिला था। गुरु अंगद देव कौन थे, सिख के सेकेंड गुरु थे जिन्होंने सिखिज़म गुरु अमरदास को दिया था। वो गुरु अमरदास सर्व्ड गुरु अंगद देव सो वेल दैट ही डिसाइडेड टू नेम हिम द नेक्स्ट गुरु इंस्टेड ऑफ हिज सन्स। गुरु अमरदेव ने गुरु अंगद की इतनी ज़्यादा सेवा की थी, उन्हें इतने अच्छे से सर्व किया था कि उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो नेक्स्ट गुरु अपने बाद नेक्स्ट गुरु गुरु अमरदास को बनाएंगे, अपने खुद के बेटों को नहीं। गुरु अंगद देव्स सन दातू हाउएवर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज गुरु एट खादुर आफ्टर हिज फादर्स डेथ एंड प्रोसीडेड टू गोइंदवाल टू कन्फ्रंट गुरु अमरदास। गुरु अंगद देव के जो बेटे थे जिनका नाम दातू था, उन्होंने खुद ही अपने आप को गुरु बना लिया था खादुर का, जब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, उनके फादर की जब डेथ हो गई थी। एंड उन्होंने क्या किया था, वो गोइंदवाल गए ताकि वो गुरु अमरदास को बता सके। सीइंग गुरु अमरदास सीटेड ऑन द थ्रोन बाय हिज फॉलोअर्स दातू सेड यू वर अ मेयर मेनियल सर्वेंट ऑफ द हाउस अंटिल यस्टरडे हाउ डेयर यू स्टाइल योर सेल्फ एज अ गुरु। जैसे ही दातू ने देखा कि गुरु अमरदास थ्रोन पे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम तो एक सर्वेंट थे घर के कल तक, तो तुमने अपने आप को ऐसे गुरु की तरह ड्रेसअप करके, गुरु की तरह स्टाइल करके आप वहाँ पे कैसे बैठे हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई। ही इवन किक्ड द 73 ईयर्स ओल्ड गुरु थ्रोइंग हिम ऑफ हिज थ्रोन। और उन्होंने दातू ने क्या किया, गुरु अमरदास जो 73 ईयर्स के थे उन्हें उस थ्रोन से हटा दिया। हाउएवर गुरु अमरदास इन ऑल ह्यूमिलिटी स्टार्टेड कैसिंग दातूज फुट एंड सेड आई एम ओल्ड माई बोन्स आर हार्ड यू मे हैव बीन हर्ट। दातू के ऐसा सब करने के बाद भी जो गुरु अमरदास थे उन्होंने दातू का फुट प्रेस किया और बोला कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो आपको लग गई होगी। As demanded by Datu, Guru Amar Das left Goindwal the same evening and returned to his native village Basar Ke.
जैसे धातु ने उनको बोला था कि आप यहाँ से चले जाओ, उसी शाम को गुरु अमरदास गोइंदवाल छोड़ के अपने विलेज चले गए जिसका नाम था बसार के। नॉट ओनली डिड ही वेकेट द थ्रोन एंड लेफ्ट द प्लेस बट ही डिसाइडेड टू शट हिमसेल्फ इन अ स्मॉल हाउस ऑफ सॉलिटरी मेडिटेशन एंड एफिक्स्ड अ नोटिस ऑन द फ्रंट डोर सेइंग He who opens this door is no Sikh of mine, nor I am his guru. खाली उन्होंने अपना सिंहासन ही नहीं छोड़ा, पर उन्होंने वो सिंहासन छोड़ दी, वो जगह छोड़ दिया, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आप को एक घर में बंद कर लेंगे और वहाँ पे सिर्फ वो क्या करेंगे, मेडिटेशन। और उन्होंने एक नोटिस लगा दिया बाहर जिस पे लिखा था कि जो भी ये दरवाज़ा खोलेगा वो मेरा सिख नहीं है और ना ही मैं उसका गुरु हूँ। हाउएवर द डेलीगेशन ऑफ फेथफुल सिक्स लेड बाय बाबा बुद्धा फाउंड द हाउस एंड एडरिंग टू द नोटिस आउटसाइड कट थ्रू द वॉल्स टू रीच द गुरु। दिस मीन्स एक ग्रुप जो फेथफुल सिक्स का था, जिसके लीडर जो थे वो बाबा बुद्धा थे, उन्होंने ये घर ढूंढ लिया और वो जो बाहर नोटिस था वो पढ़ने के बाद भी वो दीवारों के थ्रू अंदर पहुंच गए। बाबा बुद्धा सेड द गुरु बीइंग अ सुप्रीम योगी केयर्स फॉर नथिंग इन द वर्ल्ड नीदर फेम नॉर रिचेज नॉर अ फॉलोइंग बट वी कैन नॉट लिव विदाउट हिज गाइडेंस। Guru Angad has tied us to our apron. Where should we go now if you are not to show us the way? तब बाबा बुद्धा ने बोला कि जो गुरु होते हैं वो सुप्रीम योगी होते हैं, उन्हें ना दुनिया के फेम की ज़रूरत होती है, ना रिच होने की और ना किसी को फॉलो करने की। उन्होंने कहा कि हम गाइडेंस के बिना रह नहीं सकते, जो गुरु अंगद है उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रहना सिखाया है, पर अगर आप हमें डायरेक्शन ही नहीं दिखाओगे तो हम रहेंगे कैसे, हम बैर नहीं कर सकते। गुरु अमरदास वॉज सो ओवरवेलम्ड बाय द डिवोशन दैट ही रिटर्न्ड टू गोइंदवाल व्हाइल धातु हैविंग बीन अनेबल टू गैदर एनी फॉलोअर्स ऑफ हिज होन रिटर्न टू खादर। गुरु अमरदास उनकी बातें सुन के इतने ज़्यादा ओवरवेलम हो गए थे कि उन्होंने सोचा वो वापस से गोइंदवाल जाएंगे, और जो धातु था वो अपने एक भी फॉलोअर्स इकट्ठा नहीं कर सका, इसलिए वो कहाँ आ गया, खादुर। गुरु अमरदास गॉट अ बाउली जो क्या है, अ डीप वाटर रिजर्वियर डग विद 84 स्टेप्स, उसमें टोटल 84 स्टेप्स डग किए गए थे। एज हिंदूज बिलीव इन reincarnation in 8400,000 lives. According to Guru Amar Das, whoever would descend the 84 steps for a bath while reciting the Japji Sahib or Guru Nanak would be freed from the cycles of birth and death. Guru Amar Das ke hisab se jo bhi ye 84 steps paar karke bath lega aur नानक साहब की जो जप है वो करेगा, वो ये बर्थ और डेथ साइकिल से मुक्त हो जाएगा। When the time to choose his successor came, Guru Amar Das did not consider his own two sons Mohan and Mohini, but he made his son-in-law Jetha the next guru. मतलब जब टाइम आया उनके बाद का गुरु सिलेक्ट करने का, तब गुरु अमरदास ने अपने दोनों बेटों को नहीं सिलेक्ट किया जिनका नाम मोहन और मोहनी था, पर उसकी जगह अपने सन इन लॉ जेठा को नेक्स्ट गुरु बनाने का सोचा एंड रीनेम्ड हिम एज रामदास मीनिंग द सर्वेंट ऑफ गॉड। उन्होंने सोचा कि वो अपने सन इन लॉ जेठा को नेक्स्ट गुरु बनाएंगे, जिसका नाम उन्होंने रीनेम करके रामदास रख दिया, और उसका मतलब है भगवान का सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर। गुरु अमरदास ब्रेथेड हिज लास्ट ऑन द फुल मून डे ऑफ भादौन इन 1574 एट द रिप ओल्ड एज ऑफ 95। गुरु अमरदास ने अपनी लास्ट सांस फुल मून डे पे ली इन द ईयर 1574 एट द एज ऑफ 95। की वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर इज नॉन वायलेंस।
I hope you all have understood this chapter. Now you will be given the PDF of this chapter, which you are going to complete in neat and clean handwriting in your notebook. So my dear students, this is all for today's video. We will meet very soon with new story of the chapter. Till then, keep learning, keep reading, keep completing your notebooks. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.